तो काफी ज्यादा दिल जो है धक धक करने लग गया है, हार्ट बीट अच्छा खासा चालू हो चुका है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी। स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। तो जी उठ गए सुबह सुबह और अब निकलने वाले हैं वॉक करने के लिए। उससे पहले सोचा कि दो गिलास पानी पी लेते हैं। हमने तो पानी पी लिया है, अब जो है जिया उधर पानी पी रही है। जब उसका हो जाएगा पानी पिया हुआ, तब दोनों साथ मिल करके चलते हैं ऊपर जा करके वॉक करते हैं। बाहर का मौसम भी बड़ा मस्त है, एकदम वॉक करने लायक ही है। और हम लोग जो थोड़ा सुबह सुबह ही आज उठ गए हैं 5 बजे ही, क्योंकि हर दिन तो हम लोग 5:30 बजे उठते थे। क्या होता था ना, 6 बजे तक पूरा धूप हो जाता। बिल्कुल 5:30 बजे जब उठते थे छत पर दादी थे, बच जाता था पानी पियो फ्रेश हो ये हो। तो हमने जो है आज पहले उठ गए। जैसे ही ऊपर आए सोचे कि पौधों में पानी डालना है, तो देखते हैं पौधों में पानी पहले ही डाल चुका है। हाँ जी, तो आज लगता है डैडी जो है 5 बजे ही उठ गए, 5 के लगता है, थोड़ा पहले ही तो नहीं उठ गए हम लोग। चल रहे हैं जी मार्केट। कल जो है कुछ सामान हमारा अधूरा रह गया था मार्केट से लाने के लिए, तो अभी जा रहे हैं। तो जिया भी साथ में जा रही है, और अगर अभी अल्ट्रासाउंड हो रहा होगा तो अल्ट्रासाउंड भी करवा लेंगे, नहीं तो शाम में जाएंगे। आजकल सभी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते होंगे, हम भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने के साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा कैशबैक भी कमा सकते हैं? जी हाँ, ऐसा पॉसिबल है गोपैसा ऐप के जरिए। गोपैसा ऐप एक ऑनलाइन कूपन और कैशबैक अर्निंग ऐप है, जहाँ पर आप 1500+ ब्रांड जैसे कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एजियो, इन सबसे शॉपिंग करने के साथ साथ कैशबैक भी कमा सकते हैं। और इस कैशबैक को आप 24 से 48 घंटे में ट्रैक भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि गोपैसा ऐप से आप कैसे शॉपिंग कर सकते हैं और कैसे वहाँ से आप कैशबैक कमा सकते हैं। लिंक हमने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक से जाकर के ऐप को जाकर के डाउनलोड करिए। जैसे ऐप को डाउनलोड करेंगे उसके बाद वहाँ रजिस्टर करने का ऑप्शन आएगा, तो रजिस्टर करने के लिए आपको वहाँ पर बेसिक डिटेल्स भरनी होंगे, जैसे कि आपका नाम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया। फिर रजिस्टर करने के बाद जो आपका अकाउंट वहाँ बन जाएगा, फिर अकाउंट बनने के बाद आपको जिस भी ऐप से शॉपिंग करना है, जैसे कि मान लीजिए मुझे अमेजोन से शॉपिंग करना है, तो मैं यहाँ पर अमेजोन सर्च करूंगा। अमेजोन सर्च करने के बाद वहाँ वह ऐप खुल जाएगा। फिर वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा गेट कैशबैक, तो आप जो है गेट कैशबैक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपका अमेजोन का ऐप खुल जाएगा। फिर आपको जो भी शॉपिंग करना है, जैसे कि मैं यहाँ कुर्ती शॉपिंग कर रहा हूँ, तो फिर आप जो है उस प्रोडक्ट को ढूंढ लीजिए। फिर जैसे ही वह प्रोडक्ट आ जाएगा उसका ऑर्डर प्लेस कर देंगे। जैसे ही आप उसका ऑर्डर प्लेस कर देंगे उसके बाद आप देखेंगे गोपैसा अकाउंट में जो है आपका कैशबैक आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर 252 रुपए कैशबैक मिला है। फिर जो यहाँ कैशबैक है आप इसको अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो देखा आपने कितना आसान यहाँ पर शॉपिंग करना और कैशबैक पाना। और यहाँ जो कैशबैक है जी रियल कैशबैक है, जिसको आप अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप हमारे लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करते हैं तो आपको 25 रुपए का इंस्टेंट कैशबैक मिलता है। साथ ही यहाँ आप अपने फ्रेंड को रेफर करके भी उसके शॉपिंग पर 10% कैशबैक कमा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने 2500 रुपए की शॉपिंग करी तो आपको 250 रुपए का कैशबैक मिल जाएगा। तो है ना जी फायदे की चीज। साथ ही अगर आप फ्राइडे के दिन शॉपिंग करते हैं किसी भी टॉप ब्रांड से, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया जी, तो उस दिन गोपैसा पर चल रहा होता है ऑनलाइन डबल धमाका सेल एक्सक्लूसिव, तो उस दिन आपको डबल कैशबैक मिलता है। मतलब आपके तो फायदे ही फायदे। देरी किस बात की, लिंक डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाइए इस ऐप को डाउनलोड करिए और फायदा उठाइए। अब इस वीडियो कंटिन्यू करते हैं। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मार्केट, और मार्केट पहुंचने के बाद सबसे पहले यहाँ कैश निकाल रहे हैं पति देव। कैश खत्म हो चुका है इनका, कैश की बहुत कमी रहती है हमें जी, तो कैश निकालते हैं फिर चलेंगे मार्केट। तो फाइनली जी हमने तो कैश निकाल लिया है, कैश निकाल करके अब चल रहे हैं मार्केट के पास। तो देख सकते हैं सामने अच्छा खासा भीड़ है। इस समय ज्यादातर होलसेल का रहता है मार्केट, पेटी पर पेटी उठा उठा के सभी लोग लेकर के जाते हैं। खीरा कैसे? खीरा 20 रुपया। नींबू कैसे? 20 रुपया जोरा 10 रुपया। यहाँ पर हम ले रहे हैं जी बीन्स। बीन्स जो की मेरी मन पसंदीदा सब्जी में से एक है जी। आज जैसे सुनिए 80 रुपया किलो का, ये नहीं लेंगे हम, कहने मेरे लिए ले लो आधा किलो ही ले लो। आधा किलो ले रही है जी। हो गई सारी खरीदारी, इतना भी चीज लेना वो सब कुछ ले लिया, बस एक बेल बच गया है, लेकिन जगह नहीं बच रहा है यहाँ पे रखने के लिए। तो ऐसा करते हैं घर में 2 बेल पहले से हैं, पहले उसको खाएंगे उसके बाद ले लेंगे कोई और। फाइनली जी पहुंच गए घर, सारा सामान लेकर के थक गए हैं बहुत ही ज्यादा। बाहर हो गई बहुत तेज धूप, ऐसी हालत है, मौसम लग रहा है कि बहुत ज्यादा गर्म है जी। अपना जा रही है ऊपर छत पर कपड़े फैलाने के लिए। मार्केट में ना तुम्हारा काम हो पाया, ना काम हो पाया जी, ना अल्ट्रासाउंड हुआ, ना तो सारी का फोन मिला। और यहाँ पर देखिए कटहल कटा गया है, अब यहाँ क्या कर रही है इसको? यहाँ सुबह में कटहल का लठा लग गया है ना, साफ हो जाता है इसे।
आग में जल जाता है। तुम तो बिल्कुल पी रही है, साथ में हम कोई मिला दो, आग लग रहा है, मेरे अंदर में बिल्कुल ताकत नहीं बची है, ग्लूकोज खत्म भी हो गया आधा किलो, मुझे लगता है कि सारा एनर्जी एकदम खींच लिया है मेरे अंदर से। अब इन सारे सामान को निकालना है। ये है अंगूर, इसको सेपरेट ही रखो। अंगूर कितना दिए थे? डेढ़ किलो। डेढ़ किलो लिए थे। ये है टमाटर, टिकोला, चुकंदर, खीरा, और ये जो है बीन्स, नींबू, करेला है, जो तरबूज है, केला है, सब कैसा लिख लिया टोटल सर हमको मालूम 620 रुपया। नहा के आ चुके हैं जी, और अपना कुछ काम भी था पेंडिंग, तो उस काम को अपना निपटा लिया है। अब उसके बाद जो भूख लगी है, क्योंकि अभी दिन के बज चुके हैं 12, तो टाइम भी हो गया है खाने का, और आज घर में बनी है कटहल की सब्जी, तो चलते हैं खाते हैं, काफी अच्छा लगता है जी। हो गया हमारा खाना, और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1:15, और नैन्सी दीदी की जो डिलीवरी का टाइम है वो है 2:30, तो काफी ज्यादा दिल जो है धक धक करने लग गया है, हार्ट बीट अच्छा खासा चालू हो चुका है, ठीक वैसा फील हो रहा है ऐसा एग्जाम होता है ना, एग्जाम के बाद जो रिजल्ट आने वाला होता है, फिर वहाँ जो माहौल होता है वही माहौल है अभी। भगवान करे सब कुछ सही रहे, क्योंकि नैन्सी दीदी का जो स्टेज है हमने देखा है दिल्ली में जाकर के, काफी कॉम्प्लिकेशन से भरा हुआ था। हम लोग बस प्रे कर रहे थे कि सब कुछ अच्छे से बीत जाए। हमें ध्यान है नैन्सी दीदी की मम्मी जो है, जो हमारी मौसी हुई, वो कह रही थी कम से कम 7 महीना तक भी लास्ट कर जाए, लेकिन भगवान की दया से देखिए बच्चे ने जो है अपना टाइम पूरा लिया है, जो एक प्रॉपर होता है टाइम, 7-8 महीने से ज्यादा हो चुका है। नैन्सी दीदी और जिया की डिलीवरी का जो टाइम है दोनों का सेम ही था, तो नैन्सी दीदी का समय पहले आ गया है। आज जो है ऑपरेशन होने वाला है उनका 2:30 के करीब। हॉस्पिटल से भी उन्होंने कुछ कुछ वीडियो भेजा, हमने कहा कि कुछ ना कुछ भेजते रहना, हम लोग भी देखते रहेंगे यहाँ पर। और आप में से भी बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज हमें भी अपडेट देते रहिएगा उनका, तो इसीलिए हमने मंगवा लिया है, और बाकी देखते हैं क्या होता है। माँ अभी चल रही है मंदिर, तो माँ को मंदिर लेकर के चलते हैं, वहाँ पूजा करेगी, जा रहे हैं प्रभु से भीख मांगने कृपा निधान से। आप तो सबको देखते हो, आज मैं स्पेशली इसलिए जा रही हूँ, आज मेरे बच्चे को देखो। अंदर पूजा कर रही है जी, और हम यहाँ बाहर इंतजार कर रहे हैं मम्मी के आने का, और मन में बस एक ही चीज चल रहा है, भगवान उस बच्चा स्वस्थ है, ये बहुत ही इंतजार कर रहे हैं हम। अच्छा जगी हुई है, वाह बधाई हो नैन्सी दीदी। कैसा लग रहा है दीदी? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी, पिंक पिंक पहनी थी आप। लो लड्डू, एक पेड़ा आ गया, पेड़ा, इसका नाम पेड़ा रखना। मैं लड्डू, वो पेड़ा, वो पेड़ा। ये नानी तो दीदी अब मामा बन चुके हैं, मामा बनने की खुशी इनकी आंखों में देख सकते हैं अच्छे से। तो कैसा लग रहा है बताइए? बहुत ही अच्छा लग रहा है जी, ऐसा लग रहा है जब हम वहाँ रहते तो उस बच्चे को तुरंत हम गोद में उठा लिए होते। खुशी तो इनकी आंखों में आपको अच्छे से दिख रही होगी, बहुत ज्यादा खुश। खाए भी जा रहे, खाते खाते न्यूज आया है। हम बोले जल्दी से लॉक खुला, लगता है आ गया न्यूज। तो नैन्सी दीदी को बहुत बहुत बधाई है, नैन्सी दीदी अगर वीडियो देख रही होगी तो धन्यवाद हमको एक बार फिर से मामा बनाने के लिए। तो फाइनली जी जिस पल का हम लोग इंतजार कर रहे थे वह पल आ चुका है, और एक खूबसूरत सा भांजा जो है इस दुनिया में आ चुका है। अभी उसका चेहरा भी आपको नहीं दिखाएंगे, अगले व्लॉग में आपको दिखा देंगे। तो सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? किसी भी दादी और नानी के लिए यह सबसे बड़ा उपलब्धि का समय है कि पहले माँ बने, माँ के बाद सास बने, सास के बाद अब नानी बन गए, और दादी बनने के कगार पर है। पहले भी मैं दादी बन चुकी हूँ, क्योंकि हमारे जेठ का पोता सब है, मेरा परिवार भरा पूरा है ईश्वर की दया से। और मैं अपने परमपिता परमेश्वर भगवान शिव को हर बार प्रणाम करती हूँ कि ऐसा अवसर सभी माँ बाप को दीजिए, जो कि उसके परिवार में ही खुशियाँ की लहर दौड़ जाए। आज मेरे पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य और खुशी का दिन है, शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। हाँ जी, आप में से कुछ लोगों का मैं कमेंट भी देखता रहता हूँ, जो कह रही होती है कि माँ से प्लीज बोलिएगा मेरा जो 8 साल से गोद नहीं भरा है, तो भगवान मेरा भी गोद भर दे, तो माँ से कहिएगा प्रार्थना करने। निश्चित होगा, उनको सबको विश्व के लिए ईश्वर से कामना करते हैं। मेरा भी 8 साल बच्चा नहीं हुआ था, और वही प्रभु की कृपा हुई तो आज मेरे 2 बेटा हैं, और भगवान करेंगे तो आप भी 2 बेटा की माँ बनिएगा, और तब उस समय हमको याद कीजिएगा।
क्योंकि हमको लगता है कि भगवान किसी न किसी रूप में मेरी बात सुनते हैं, क्योंकि उनसे हम धन तो मांगते नहीं, शांति मांगते हैं और सभी का वंश मांगते हैं और सब पढ़े लिखे कमाए खाए खुशी से बस इतना ही प्रार्थना करते हैं ईश्वर से। और बार बार मैं कहती आज मैं नानी बिल्कुल जी और हम बन गए मामा, फिर से मामा बन गए। और आप लोग ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो जो बच्चा दुनिया में आया है वो चिरंजीवी रहे, स्वस्थ रहे। और भगवान करेंगे तो हर घर में इससे सुंदर बच्चे आएंगे और वो बच्चे उसी तरह खुशी रहेंगे और चिरंजीवी। बिल्कुल एक बार उसका आपको फोटो दिखा देंगे, अगले वीडियो में तो आपको दिखाएंगे, इतना प्यारा बच्चा है, पूछिए मत। नाम भी रख दिया उसका पेड़ा। क्योंकि एक नाम है जो मतलब हम लोग अभी नहीं दिखा सकते ना, बिल्कुल। तो आपको फिर हम लोग दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि कल दिखा दें। सुखता तो होगी हमारे नाती को देखने का, लेकिन कुछ कंडीशन है इसलिए हम लोग नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कल तक दिखा दें। माँ को भी हो रहा है कि सब कोई देखे, बहुत सारा आशीर्वाद दे। और आप लोग के आशीर्वाद से यह सफल हो गया है बस। और हम क्या कहेंगे, जो हम सोचते हैं भगवान के चरण आप ही सोचिए। ठीक है जी, अब इस वीडियो कहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, उम्मीद क्या करती हैं जी अच्छा लगा ही होगा। तो जम के लाइक का बटन दबाइएगा और कमेंट में कांग्रेचुलेशंस लिखिएगा नैन्सी दीदी को, नैन्सी दीदी सारे वीडियो के कमेंट पढ़ रही होती है। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।